सत्यपाल मलिक ने मोदी के राष्ट्रवाद की खोल दी है पोल, और जो देश की राष्ट्रवादी मीडिया है वो चुप है, उसको सांस नहीं आ पा रही है। सत्यपाल मलिक, जब धारा 370 हटाई जा रही थी जम्मू कश्मीर में, तो उस समय वो वहां गवर्नर थे। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। एक तरफ इतना बड़ा बयान, देश के अंदर पुलवामा हमला हुआ और उस हमले को लेकर तमाम जो हैं शंकाएं जो हैं वो जताई जाती रहीं, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आ रहा है या फिर जो दबे लफ्जों में स्टेटमेंट उस समय आया था वो कई सवाल खड़े करता है। एक ऐसा नाम जो बड़े पद पे देश के हाई अलर्ट सिक्योरिटी एरिया में गवर्नर पद पे रहा, सत्यपाल मलिक, बीजेपी के एक बड़े सीनियर लीडर। जब 370 कश्मीर से हटाई जा रही थी तब बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी को अपना एक भरोसेमंद व्यक्ति वहां चाहिए था। सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर जो है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया एज अ गवर्नर, जब वहां 370 धारा हटाई गई। और अब करण थापड़ के इंटरव्यू में, जो द वायर के लिए करण थापड़ ने लिया था, सत्यपाल मलिक ने इस तरह की पोले खोल दी हैं कि आज राष्ट्रवाद कहने वाले पार्टी और राष्ट्रवाद कहने वाले मोदी जी जो हैं उन पे कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती। पुलवामा के नाम पे तमाम राजनीति हुई, 40 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद हुए। उसी दौरान पुलवामा का हमला जो हुआ उससे पहले एक बहुत भारी संख्या में आरडीएक्स ट्रक में 10 दिन तक वहां घूमता रहा, और उसके पीछे जो नाम निकल के आए वो भी आप लोगों ने सुने होंगे और देखे होंगे। आखिर मोदी जी ने सत्यपाल मलिक से क्यों कहा कि चुप रहो, दिल्ली जाके बात करूंगा, दिल्ली आने दो उसके बाद बात करूंगा, वो कौन सी चीजें थीं? अभी हाल ही में रवीश कुमार ने सत्यपाल मलिक के घर जाके उनका इंटरव्यू लिया, तमाम उन्होंने बातें कही हैं, पूछी हैं, और वो जो जवाब मिले हैं सत्यपाल मलिक से वो अपने आप में झूठे राष्ट्रवाद का जो खोखला पुतला है उसकी सत्यता सामने लाता है। एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा आपको जो रवीश कुमार बातचीत कर रहे हैं और सत्यपाल मलिक जो जवाब दे रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। शेप में रिपोर्ट किसी भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ सिवाय एक टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। तो आपने ऐसा कोई दौर देखा है आपातकाल के समय? उसके सवाल नहीं है, इशू कितना इंपॉर्टेंट था, जिसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था उसमें जो हमारी गलतियां थी उनको मैंने एडमिट किया था, और मैंने इनको जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढावे से मुझे फ़ोन किया और पूछा सत्यपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फ़ोन गया, उसने कहा सत्यपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना, बट द फैक्ट वॉज के CRPF ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है, इनसे जहाज मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन हो मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, तो वो सड़क से चल दिए। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहां से ये घटना हुई जहां वो गाड़ी घुसी थी वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं, हर जगह कहीं भी दैट वॉज नॉट बींग मैन्ड, कहीं रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ, तो बहुत हमारी कमियां थी उस जगह पे। इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली प्लेन की मांग। अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस जानकारी का एक्सेस कैसे है, मतलब चुनाव से कुछ रिश्ता है? ये है कि जो है वो नहीं बताया जाएगा, जो है वो नहीं बताया जा रहा है। आप काफी कुछ समझ गए, राष्ट्रमंत्री के बाद आया। और कितनी देर के बाद आपने प्रधानमंत्री को पहली बार संपर्क किया था घटना हो जाने के बाद? क्या आप बहुत फोन मिला रहे थे? मैं तो उनको कर नहीं सकता था चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे फोन पे, उन्हीं का फोन आया था। तब तक मैं एक दो चैनल को ये बता चुका था बात। अच्छा, उसमें राजनाथ जी गए थे उनको लास्ट वो देने के लिए कंधा, उसमें उनके साथ था कॉफिन को कंधा देने में। और घटना के बाद आपको पता चला कि 5 जहाज की मांग हुई थी गृह मंत्रालय? घटना के तत्काल बाद मुझे पता चला। जब मेरी इनसे बात हुई, इन्हें पता चल गया होगा कि मैंने कुछ कहा है, और NSA ने बताया होगा
कि मैंने इस तरह का कुछ कह दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब चुप रहेंगे इसमें। पर सतपाल, जैसे कि जानकारी देते हुए सतपाल मलिक ने बताया कि एक बड़ी प्लाटून जो थी वो जानी थी सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से एरोप्लेन्स मांगे थे कि हमें जहाज चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को जहाज नहीं दिए, जिसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जो है वो रोड से जाने का निर्णय लिया। सतपाल मलिक ने साफ तौर पे बताया कि मैं उस लूप में नहीं था, वरना ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, मैं स्वयं जो जहाज हैं वो प्रोवाइड करवा देता। जब ये घटना घटित हुई उसके तत्काल उन्होंने कहा कि मुझे पता चला इस बारे में, तब शुरुआती समय में एक दो मीडिया चैनल्स में उन्होंने ये बोल दिया था कि ये गृह मंत्रालय से मांगे गए थे जहाज और गृह मंत्रालय ने नहीं दिए थे, जिसके बाद जब पता चला तो मोदी जी ने कहा सतपाल मलिक से कि आप चुप रहो। मोदी जी की उस टाइम शूटिंग चल रही थी कॉमेट पार्क में, मोदी जी ने कहा चुप रहो अभी कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद एनएसए की तरफ से कॉल आता है सतपाल मलिक को कि भाई साहब इस पे अभी कुछ नहीं बोलना है, आप चुप रहो। लिहाजा सत्यपाल मलिक जो हैं वो चुप हो गए। आज इतने बड़े खुलासा करने के बाद भी जो राष्ट्रवादी मीडिया है, जो बड़े चैनल्स हैं, जो रोज चाहे वो सुधीर हो, चाहे वो अंजना हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनका आज दायित्व बनता है कि देश के अंदर इतना बड़ा कांड जो हुआ है उसकी सच्चाई जनता तक लेके आए। लेकिन तमाम जो चीजें हैं, लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि अतीक अहमद का जो हत्या हुई है वो इन मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। अतीक अहमद को मरवाया इसलिए गया है ताकि असल मुद्दों से भटकाया जा सके, ये अखिलेश यादव ने भी कहा, तमाम विपक्षी नेता वो ये कह रहे हैं। सतपाल मलिक का इंटरव्यू कौन से नेशनल मीडिया चैनल ने चलाया है, इस पर डिबेट कराई है, जबकि पुलवामा शहीद राष्ट्रभक्त जो अपने आप को कहते हैं मीडिया चैनल्स, वो दिखाएं, वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करें, उस पर डिबेट करवाएं जो चीजें वो बता रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। करण थापर का जो इंटरव्यू था, याद होगा करण थापर आपको, जो मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे थे जिस समय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और मोदी जी को पानी पी के उठना पड़ गया था बीच में इंटरव्यू के, और मोदी जी ने कहा था कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए, वही करण थापर है जिसके बाद आज कोई भी मीडिया चैनल अपने चैनल पे उनकी डिबेट, उनके इंटरव्यू नहीं चलाना चाहता है। ये वही करण थापर हैं जो अपने सवालों से सामने बैठे व्यक्ति की बखिया उधेड़ देते हैं, वही करण थापर हैं जो आज कोई बड़ा राष्ट्रवादी चैनल इनको दिखाना नहीं चाह रहा। तो एक इतना बड़ा देश के अंदर कांड हुआ जिसके बाद सत्यपाल मलिक जो है अब वो सामने आके बोल रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं की जा रही है, अतीक को मरवा के उलझाया जा रहा है देश की तमाम जनता को। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मामला बड़ा है या नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कमेंट द्वारा अपने विचार जरूर साझा करें। जब सत्यपाल मलिक से कहा कि आपको खतरा नहीं है, आपको डर नहीं लगता कि आपको भी कुछ करवा दिया जाएगा, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि नहीं, ये मुझे मरवा नहीं सकते। उन्हें लगता है कि मेरे पास किसान की ताकत है, किसान मेरे साथ देंगे, किसान मेरे साथ खड़े होंगे। तो जो खुलासे कर रहे हैं सत्यपाल मलिक, देश की जनता को क्या उससे रूबरू नहीं होना चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।